फ्रेंड्स, किचन रेसिपी बाय रेखा में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी रेसिपी के लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको दही वाली अरबी की सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। इसमें ग्रेवी दही की होती है। ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम मसालों में तैयार हो जाती है। ये रेसिपी मथुरा वृंदावन की खास रेसिपी है। राधा अष्टमी आ रही है। राधा जी की फेवरेट सब्जी दही अरबी है। जो लोग अरबी नहीं खाते हैं उनको भी आप मेरे मेथड से दही अरबी बनाकर खिलाएंगे, वो भी खाने लग जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको मसाले वाली अरबी भी बनाकर दिखाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दही अरबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम अरबी ली है। अरबी को जरा सा ध्यान रखना है कि खूब मोटी सी हो और जैसे बीच बीच में गांठ हैं वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा ही है। इस तरीके की इसी तरीके से आपको सारी अरबी लेनी है। हल्की सी मोटी होंगी तो बहुत जल्दी उबल जाएंगी। और ये मैंने उबाल के रखी हैं। इसमें मैंने 2 सीटी लगाई और 2 सीटी के बाद मैंने इसको खोला है तो अरबी मेरी अच्छे से पक गई हैं। और इसको मैंने 1 घंटे ठंडा होने के लिए रखा है। गरम गरम आपको अरबी को नहीं छीलना है। अब मैं इसको छीलूंगी। अरबी मैंने सारी छील ली है। अभी जो काले काले से लगे हुए हैं इसको भी आप चाकू से हटा दीजिए। और 2 सीटी में बहुत ही अच्छी मेरी अरबी पक गई हैं। इस तरीके से हटा दीजिए और इसके 2 पीस कर लीजिए। आप लोग अपने हिसाब से चाहे तो लंबे लंबे पीस भी कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे बीच से आप इस तरीके से भी। इसी तरीके से आपको सारी अरबी काट लेनी है। अरबी को मैंने कट कर लिया है। चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। राधा जी की प्रिय दही अरबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप दही लिया और इसको अच्छे से फेंट लेना है। दही मेरा अच्छे से फिट गया है। और आपको एक टिप्स बताते हैं, 1 चम्मच अगर इसमें आप बेसन डाल देंगे तो आपका दही कभी फटेगा नहीं सब्जी में। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अक्सर देखा होगा कि दही फट जाता है जब सब्जी में डालते हैं। बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल लेते हैं। गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल। इसको अच्छे से पक जाना है। तेल को पका लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया है, देखिए सरसों का तेल। अब इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डालते हैं, थोड़ी सी ही अभी डालना है। और इसमें जो अरबी मैंने बॉयल और काट के रखी थी उसको डालना है। अब इसको हल्के से थोड़ा भून लेना है मीडियम आंच पे। देखिए अरबी मैंने थोड़ी सी क्रिस्पी कर दी है। अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च मैं 1 डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। आप लोग कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और थोड़े 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच अभी जो मैंने दही फेंट के रखा है उसको डालना है और चलाते रहना है। आधा कप पानी और डालना है। इसको लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। और नमक अभी नहीं डालना है, नमक बाद में डालना है इसमें। और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च 1/4। अब इसको चलाते रहिए। ये देखिए सब्जी में उबाल आ गया है। अब इसको चलाना नहीं है, अब तो एक बार चला दिया है बस। जब तक चलाना है जब तक कि इसमें ना उबाल ना आ जाए, कौलने ना लगे। अब इसको धीमी आंच पे पकाना है कम से कम 5 मिनट, 5 से 7 मिनट। अब 5 मिनट हो गए पके हुए। अरबी की सब्जी मेरी बनके तैयार है। अब लास्ट में इसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच सॉल्ट डाल रही हूँ।
और इसको चला देना है। और लास्ट में आपको थोड़ा सा गरम मसाला डालना, ज़्यादा इसमें नहीं डालना है, 1/4 चम्मच ये गरम मसाला। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब लास्ट में एक छौंका तैयार करते हैं, उसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे, उसको थोड़ा क्रश करके डालेंगे। अजवाइन जब हो जाएगी तो थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च 1/2 चम्मच, लास्ट में बारीक कटी हुई हरी धनिया थोड़ी सी, और इसको चला देना है। बहुत ही यम्मी लग रही है सब्जी, ये देखिए दही अरबी, दही की अरबी। आप लोग मेरी रेसिपी जरूर बनाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसी लगी मेरी ये दही की अरबी।